जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने सोमवार को देश के 47वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें शपथ दिलाई। वे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का स्थान लेंगे। न्यायपालिका में शीर्ष पद पर पहुंचने वाले वह महाराष्ट्र के चौथे व्यक्ति हैं। पिछले 2 साल में जस्टिस बोबड़े सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक निर्णयों में शामिल रहे हैं। इसमें इस साल 9 नवंबर को अयोध्या विवाद में दिया गया फैसला भी शामिल है। जस्टिस बोबड़े 9 सदस्यों वाली सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ का हिस्सा थे जिसने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार के संवैधानिक रूप से मौलिक अधिकार से जुड़ा फैसला सुनाया था। बोबड़े उस 3 सदस्यों वाली पीठ का भी हिस्सा थे जिसने कहा था कि आधार कार्ड नहीं होने की वजह से व्यक्ति को मूलभूत सुविधाओं और सरकारी सब्सिडी से वंचित नहीं किया जा सकता है। एक एडवोकेट के रूप में जस्टिस बोबड़े उच्च न्यायालयों में किसानों के कई मामलों की पैरवी की। 1970 और 80 के दशक में बोबड़े को किसानों के हक के लिए लड़ने वाले के रूप में जाना जाता था। साल 1996 में जस्टिस बोबड़े ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे से जुड़ी एक मानहानि का मुकदमा भी लड़ा था। शिवसेना संस्थापक बाला साहेब शिवसेना नेता संजय राउत के साथ कुछ समाचार पत्रों के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुंबई के शिवाजी पार्क में ठाकरे ने कहा कि उनसे किसी ने कहा कि एक जज ने उसके पक्ष में फैसला सुनाने के लिए 35 लाख रुपए की मांग की थी। हाईकोर्ट से सजा के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में बोबड़े द्वारा पेश की गई दलीलों को सही ठहराया और मामले को खारिज कर दिया। नागपुर में जन्मे बोबड़े ने SFS कॉलेज नागपुर से ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज नागपुर यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करी। उनके पिता अरविंद बोबड़े राज्य के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं। लॉ कॉलेज में बोबड़े की क्लासमेट नीता जो कहती है कि मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि कोई अपना प्रतिबद्धता समर्पण और कड़ी मेहनत से भारत में चीफ जस्टिस के पद पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि जस्टिस बोबड़े कई नए वकीलों के लिए एक प्रेरणा हैं। नागपुर हाई कोर्ट में बोबड़े की टीम में रहे एडवोकेट RP जोशी बताते हैं कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि बोबड़े ने अपने कॉलेज के दिनों में कई टेनिस टूर्नामेंट जीते हैं। वह अपने कॉलेज के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी थे और अभी भी टेनिस के बड़े प्रशंसक हैं। आने वाले समय में भी CGI के रूप में उनके आगे बड़ी चुनौतियां भी होंगी। आशा है कि वह भारत की न्याय व्यवस्था को नई दिशा तक ले जाएंगे और देश के हित में आगे भी ऐसे ही न्यायिक फैसले लेंगे। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।